प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों के रोस्टर में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार पर निशाना साधा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि पंचायत चुनावों के रोस्टर को लेकर सरकार देरी कर रही है तो कुछ भाजपा नेता दबाव बनाकर मनमाने ढंग से पंचायतों को रिजर्व करवाने के काम में भी जुटे हुए हैं। साथ ही राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा सरकार के समय में जनता के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता भी अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली हाईकमान के इशारों पर काम कर रही है और छोटा बड़ा फैसला दिल्ली में ही तय हो रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा सरकार में हर समय फैसले बदलते रहते हैं और अगर सरकार ने नई पंचायतों के गठन करने का स्वागत करते हैं लेकिन समय पर चुनाव नहीं करवा पाने में सरकार अक्षम दिख रही है। उन्होंने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि कई जगहों पर भाजपा नेता प्रशासन पर दबाव डालकर पंचायतों को रिजर्व करवाने का काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे सरकार की बड़ी रैलियां रही हैं जिससे प्रदेश में कोरोना बढ़ा है। और अभी पंचायतों के चुनाव ड्यू हैं। देखिए, अगर पंचायतों के चुनाव समय पर सरकार नहीं करा पा रही है, इसके पीछे सरकार का फेलर है। कारण ये है कि ये सरकार सुबह कुछ फैसला लेती है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ और हो जाता है। अब इस सारी प्रक्रिया को करने के लिए एक साल का जो समय चाहिए था, वो सरकार जो है कन्फ्यूजन में ये सारे निर्णय सरकार लेती है। और आज मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जगह जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, लोगों को आशंका है कि सत्ताधारी पार्टी जो है उसके जो कार्यकर्ता हैं और सत्ताधारी पार्टी के नेता जो हैं वो अफसरशाही पर दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक जो है पंचायतों को रिजर्व कराने और ओपन करवाने की दबाव जो है प्रशासन और सरकार प्रशासन पर जो है बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कई कारण हैं कि सरकार जो है समय पर पंचायतों के चुनाव नहीं करवा पा रही है। और कोविड को लेकर भी ये सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और आज हिमाचल प्रदेश में जितने कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो सरकार की नाकामी है। ये सरकार ने ही जगह जगह बड़ी बड़ी रैलियां करी, बड़े बड़े कार्यक्रम किए और अपने ही जो कानून कायदे इन्होंने जो बनाए थे, नियम बनाए थे, उनको सरकार ने खुद तोड़ा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे ज्यादा होते हैं और प्रदेश सरकार दिल्ली के इशारों पर चल रही है। भाजपा सरकार दिल्ली हाईकमान के इशारों पर काम कर रही है और छोटे बड़ा फैसला दिल्ली में ही तय हो रहा है। कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश लोग, प्रदेश के लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये सरकार हिमाचल से नहीं चल रही है बल्कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। और दिल्ली से जो भी निर्णय आता है, दिल्ली से जो भी सिग्नल मिलता है उसके मुताबिक ही फैसला होता है। और दूसरा, ये सरकार जो है वो हर हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। आज हिमाचल प्रदेश का आम जो वोटर है, आम जो यहाँ का नागरिक है, वो तो इस सरकार से तंग है ही है, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सरकार की कार्यप्रणाली से जो है त्रस्त हैं। कृषि बिल को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि कृषि बिल को लेकर अगर कांग्रेस सरकार अपने समय में लाई थी तो उस समय लागू नहीं किया था क्योंकि लोग बिल को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि बिल को लागू करके भाजपा ने किसानों के साथ घोर अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश का किसान वर्ग इस बिल की वजह से हताश और निराश है। देखिए, झूठ बोलना ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कूट कूट कर भरा है। और अगर ये कांग्रेस सरकार इसको जो है उस समय की सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी तो मुझे लगता है कि ये सब इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कहना कि जी कांग्रेस सरकार के समय, अगर कांग्रेस सरकार के समय बिल तैयार भी हुआ होगा तो कांग्रेस ने लागू तो नहीं किया। लागू इसलिए नहीं किया कि कमियां होगी, लोग नहीं जा रहे होंगे और इन्होंने लागू किया है। तो लागू करने में और तैयार करने में बहुत फर्क है। ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं सरकार में, पर इट डज नॉट मीन कि ड्राफ्ट जो तैयार हो गया उसी को अफसरशाही जो ड्राफ्ट तैयार करके ले आई और सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। तो उसमें की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इन्होंने इम्प्लीमेंट, इनको इनको इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो है, जो भी इसमें गुण और दोष के आधार पर जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए थे। आज पूरे देश का जो अन्नदाता है वो सड़कों पे है
और ये लोग उनकी अनदेखी कर रहे हैं और तानाशाही रवैये से कानून जो है उनको लागू करने की सरकार कोशिश कर रही है।